आप थोड़ा सा सोच के देखो, जब लोग जेई और नीट के एग्जाम नहीं करवाना देना चाह रहे, वो लोग क्लास की परमिशन लगने के बाद क्लास कैसे लगने देंगे, मुझे बता दो आप तो। क्या लगता, खुल जाएगा लॉकडाउन फिर? ऐसे रहा तो ये 2 साल लॉकडाउन रहेगा इस हिंदुस्तान में, तो 2 साल रहेगा बोलो। आप सोचो थोड़ा सा कि जेई और नीट की एग्जाम, मैं धन्यवाद देता हूं मेरे शिक्षा मंत्री, मेरे लाडले सीकर के गोविंद सिंह डोटासरा को, धन्यवाद देता हूं मेरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को कि उन्होंने राजस्थान बोर्ड के बच्चों का 10th का एग्जाम करवा दिया। 13-14 लाख बच्चे 10th राजस्थान बोर्ड में बैठते, जिसका ढाणी से लेके शहर तक सेंटर होता है, और बिल्कुल विश्वास से करें एक सिंगल बच्चा एग्जाम के कारण कोरोना पॉजिटिव नहीं आया था। ये ईश्वर की मेहर रही। अरे भगवान भी तो कोई चीज होती है यार, यज्ञ करो ना तो ईश्वर भी साथ देता है। सरकार यज्ञ कर रही है, जो अच्छे बच्चे हैं उनको एग्जाम होना बहुत जरूरी है, उनका विरोध ना करें प्लीज। और दोस्तों आप सोच करो, संस्था प्रधान साथियों, यदि किसी तरह सरकार दबाव में आके इस नीट और जेई को, मैं दावे से कहता हूं, मेरा वीडियो याद रखना, कि नीट और जेई इस दबाव से पोस्टपोन्ड हो गई है, तो 2 साल तक स्कूल कोचिंग खुलने का हिंदुस्तान में कोई रास्ता नहीं है। फिर कोई रास्ता नहीं है, फिर कोरोना जाएगा नहीं। कोरोना भगवान भले भगा सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है ये। तो क्या हम बसों में सफर नहीं कर रहे हैं? क्या हम बाहर बाजार में नहीं जा रहे हैं? क्या जो लोग जॉब करते हैं घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं? क्या कंस्ट्रक्शन लेबर काम नहीं कर रही है? तो फिर ये पढ़ाई के लेके पीछे क्यों पड़ रहे हैं भाई? इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, प्लीज बच्चों की पढ़ाई में बाधा ना बने। जब पूरे देश में मात्र 17-18 लाख बच्चे नीट में बैठेंगे एक दिन, और पूरे देश में फैलेंगे वो, एक सेंटर पे मुझे पता है 1000 से ज्यादा बच्चे बहुत कम सेंटर्स पे होते हैं, जो 3-4 घंटे का खेल है, जिसको सरकार, इतनी सरकार सक्षम है भाई, हम जिस देश में रहते हैं वो सक्षम है, हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, मैं तो जिस स्टेट में रहता हूं वो उसका मुख्यमंत्री बहुत सक्षम है, और जिस देश में रहता हूं उसके पीएम बहुत सक्षम है। ये मेरे विचार हैं। क्या गुनाह कर दिया जिस लड़के ने साल भर तैयारी की, जो 3 मई को या दोस्तों जनवरी अप्रैल के अटेम्प्ट में जेई और नीट को ठोकने की तैयारी कर चुका था, उसको 4 महीने हो गए पढ़ते, क्या पढ़ेगा वो? बच्चे पागल हो जाएंगे साहब, जो टॉपर बच्चे हैं वो मानसिक परेशान हो जाएंगे। इसलिए हे ईश्वर, आप सबको सद्बुद्धि दें, जो इस एग्जाम का विरोध कर रहे हैं प्लीज एग्जाम होने दें। और ये अगली कड़वी बात सुन लो, यदि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाती है तो मान के चलना 12-6 महीने स्कूलें नहीं खुलेंगे, फिर तो मतलब ही नहीं है सवाल नहीं खुलने का। फिर तो एक, मैं मेरी संस्था की बात करूं, मान लो 4 दर एडमिशन हो गए, तो 4 दर बच्चों हम लोग कैसे पढ़ाएंगे? 4 दर बच्चों को वहां तो 4000 बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे आपको, फिर किसको मना करो, किसको पढ़ाओगे? तो मैं मेरी बात पे आता हूं दोस्तों, कि आपको इस ऑनलाइन के लिए मानसिक तैयार हो जाना चाहिए। कोचिंग का बच्चा कोचिंग ले रहा है भाई, आज देश में लाखों बहुत सी कोचिंग के विज्ञापन आते हैं, हमारी कोचिंग में 1 लाख बच्चा कोचिंग ले रहा है, कोई कह रहा 1.5 लाख बच्चा कोचिंग ले रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब शहरी बच्चा तो पढ़ रहा, मैं माफी चाहता हूं थोड़ी सी आज छोटी बात कर रहा हूं, ये ग्रामीण प्रतिभाओं पे फिर से कुठारघात हो रहा है जी। मेरे जैसे जो गांव से निकले हुए श्रवण, जो बड़े सपने पाल के सीकर आए थे, और जिन्होंने सीकर आके अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग की कंप्लीट करके आज एक शिक्षा की एक अलग जगह रखी है, इन श्रवणों को बहुत खतरा है। ये श्रवण खत्म हो जाएंगे अगले 1.5-2 साल में, ये श्रवण नहीं आएंगे फिर, ऐसे गांव से निकला हुआ छोरा नहीं आएगा, फटी पैंट और फटी चप्पल पहना हुआ विश्राम मीणा जैसा बच्चा नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? गांव में कहां नेट की व्यवस्था है? ऑफलाइन क्लास लगानी पड़ेगी, क्या पढ़ाओगे उनको आप? नहीं है नेट की दिक्कत है, उसको नहीं चलाता मोबाइल, गुनाह कर दिया गांव में पैदा हो गया उसने, कोई उसने गरीब घर में पैदा गुनाह कर दिया उसने? कोई गुनाह नहीं किया उसने, उसको मौका पड़े तो ठोकता सबको। रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट आता यूपीएससी का टॉप करता है एक सिंपल से किसान का छोरा, रिजल्ट आता नीट और जेई का टॉप करता डूंगरा राम, नहीं करते टॉप नहीं करते क्या लोग? ये जब नीट का रिजल्ट आता 5 बार रैंक होती है प्रिंस कड़वासरा बाड़मेर के बच्चे की, सिंपल से घर के छोरे की। इसलिए प्लीज क्लासेस लगने की परमिशन भी सरकार को मजबूर मत करो। मुझे एक किस्सा याद है, एक बार एक कंधार कांड हुआ था, एक यान अपहरण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, एक भूल हुई थी वाजपेयी जी से, माफी चाहता हूं, मुझे नहीं करना चाहिए उनके बारे में, वो देवतुल्य हैं। उन्होंने भावुक व्यक्ति थे, उन्होंने कंधार कांड के यात्रियों को छुड़ाने के लिए मजर सूद का एक आतंकवादी था जो आज सबसे बड़ा नासूर है इस मानवता के लिए, उसको छोड़ना पड़ा था, याद होता आपको। लेकिन लोग कहते हैं
कि वाजपेयी साहब इसलिए नहीं डरे थे कि उस आत्मा डरे थे, जब वो यान में जो 250 यात्री बैठे थे उनके घरवालों ने प्रधानमंत्री निवास के सामने ऐसा हाहाकार मचाया था, वो देश धर्म भूल गए थे, वो अपना धर्म याद रखा। ये हरिओम पवार साहब कविता कहते हैं कि यात्रियों की भी कोई जिम्मेदारी थी दोस्तों, उनको छोड़ना पड़ा था। एक गलती आतंकवाद का बड़ा नासूर है, जिसकी उम्र 50 साल के आसपास है, वो समझ सकते हैं वो एक नासूर है देश के लिए। दोस्तों ये इस तरह की एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाती हैं, ये लॉकडाउन चलता रहा तो साहब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के बच्चों की पढ़ाई मिट्टी हो जाएगी साहब, ये मैं कह रहा हूं जी। इसलिए मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात मांगूंगा मैं। इसलिए मेरा निवेदन है इन एग्जाम्स को होने दें या फिर देश में लॉकडाउन कर दें साहब कंप्लीट, पूरा देश लोक कर दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं। 14 दिन में कोरोना का केस खत्म हो जाते हैं क्यों कर सकते, तो आप कोई बात नहीं 14 दिन देश को लॉकडाउन, कोई दिक्कत नहीं है। 14 एक माननीय प्रधानमंत्री जाके अनाउंस कर दें कि राशन लिया 14 दिन का भैया और देश पूरा, कोई दिक्कत, हम एग्री हैं, हम देश के लिए कुछ भी करने को एग्री हैं, हम एग्री हैं साहब। आप तो 14 दिन देश को बिल्कुल 2 दिन अनाउंस कर दो पहले कि जो जहां है आसपास अपने बुआ मौसी ताई के है तो गांव या घर पहुंच जाए और 14 दिन राशन ले आए, कोई दिक्कत नहीं भाई। 14 दिन के बाद तो देश खुले यार, 5 महीने हो गए साहब, कब तक लोग घर बैठे रहेंगे? बच्चे साहब, हम टीचर हैं, डेली फोन आते हैं, श्रवण जी बच्चा अजीब अजीब हरकतें करने लग गया, श्रवण जी बच्चा रोता छत पे रात को जाके, क्या जवाब दूं उनके? हम लोग जिस लड़के के टेस्टों में 700 नंबर आ रहे 720 में से, क्या जवाब दें साहब उनको? इसलिए प्लीज इस एग्जाम को, और ये मैं फिर से कहता हूं, यदि ये एग्जाम हो गई, इसलिए कुछ लोग भूल से भी यदि इस एग्जाम होने का विरोध कर रहे हैं तो उनको नहीं पता दोस्तों वो कितना नुकसान कर रहे हैं खुद का और अपना। इसलिए सरकार सक्षम है यार, हम बाकायदा क्वारंटाइन करेंगे बच्चे को, सिक्के सैनिटाइजर कर देंगे उसको, बाकायदा गल्ब्स हैं, सारी सरकार है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारी परीक्षा हो ताकि हमारा सेशन आगे ऊपर बढ़ सके। इसी मुद्दे पे आगे बढ़ता हूं, आप चाहे फाउंडेशन के बच्चे हैं, चाहे कोचिंग के बच्चे हैं, चाहे स्कूल के बच्चे हैं, बच्चों ऑनलाइन क्लासेज आपको लेनी होंगी, नहीं पिछड़ जाएंगे बच्चों, पिछड़ जाएंगे बच्चों। जैसलमेर के बांधना से फोन आता है, श्रवण जी छोरे के 96% नंबर आए हैं 10th में, बट क्या करें, गांव में नेट तो है लेकिन मोबाइल के पैसे नहीं है। उन बच्चों को हम फ्री पढ़ाते हैं साहब, रहना खाना पढ़ाना सब फ्री होता है हमारा जब ऑफलाइन होता है, अब हम सहायता भी क्या करें, मोबाइल तो हम भी कहां से खरीद के दें, हमारे भी साहब 6 महीने हो गए। मेरे जैसे बहुत संस्था वाले होंगे सीकर में जो रहना खाना सैकड़ों बच्चों को फ्री देते हैं साहब ऑफलाइन में, उन बच्चों को हमने माफी चाहता हूं उनको यहां तक कि कपड़े तक सिला के देते हैं सीकर की, मैं और मेरी कई साथी संस्था, हो सकता है उसके बदले रिजल्ट मिलता हमें लेकिन उसका तो कैरियर बन रहा ना भाई, क्या उसका कैरियर नहीं बन रहा क्या? तो डियर आप इस एग्जाम को होने दें प्लीज, इस एग्जाम को होने दें प्लीज। 1000 मेरे साथ ही सुन रहे हैं आज, मेरे लाइव का फर्स्ट है जब 1000 लोग लाइव पे आए, आप हो सकता मेरे अंदर मेरे शब्द कुछ आगे पीछे हो जाएं, बट मैं एक ही निवेदन, प्लीज एग्जाम होने दें। मेरी एग्जाम ना हुई तो मेरा मोहित और मेरे ये उत्साह, मेरी छोरे मेरे ये टूट जाएंगे साहब, इनको मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मैं तो नहीं संभाल पाऊंगा साहब, और मैं तो साहब बंद कमरे का डायरेक्टर नहीं हूं साहब, मैं तो बच्चों के बीच रहता हूं साहब, मैं तो नहीं। आज मैंने एक मिस्टर अमित पांडे सर की पोस्ट देखी, बहुत अच्छी लगी कि हम सब लोग बाजार में घूम नहीं रहे हैं क्या, वो बंद कर दो। मैं तो कहता हूं साहब एग्जाम नहीं हुई तो मैं देश को लॉकडाउन करो 14 दिन के लिए, बंद कर दो। 14 दिन का होता है इसका जो पीरियड होता है बता दे, कोई बात नहीं, तैयार है हम, तैयार है बिल्कुल 100% तैयार है, लेकिन उस जैसलमेर के भानिना गांव के 96% के छोरे की पढ़ाई रोकने का अधिकार नहीं है साहब हमें किसी को। हम 14 दिन रोक सकते हैं उसको, हम नहीं रोक सकते उसको, उसको रोकेंगे तो पाप लगेगा हमें, यह मेरा मानना है। क्या हमारे राजस्थान बोर्ड के 10th के एग्जाम नहीं हुई थी क्या? विरोध हुआ मेरे शिक्षा मंत्री का, एग्जाम कराई है। मैं धन्यवाद दूंगा आज, मैं बिल्कुल धन्यवाद का, मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने फटकारते हुए कहा कि देश रोक दें क्या, मेरे प्रधानमंत्री का एग्जाम करवानी है। प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं सारी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं व्यवस्था कराऊंगा सारी, मैं मतलब सरकार मेरी व्यवस्था, मैं का मतलब सरकार से होता है यहां पर, और राजस्थान तो सक्षम है साहब,
जब 16-12-13 लाख बच्चों की बोर्ड की एग्जाम अकेला करा सकता है तो नीट में भाई साहब राजस्थान लाख बच्चे बैठे, लाख सवा लाख बच्चे बैठे पूरी नीट में, जिसके सेंटर भी बहुत जगह है, बड़े शहरों में है, बड़ी स्कूलों में है, जहाँ प्रॉपर सफोकेशन वेंटिलेशन की व्यवस्थाएं होती हैं, जिनके अच्छे रूम होते हैं। बोर्ड के एग्जाम तो गांव ढाणी के कमरों में होते हैं भाई, जहाँ पंखा भी लगा हुआ नहीं होता यार, वहां एग्जाम दी है और एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया, क्योंकि आपने यज्ञ किया, आप पवित्र काम लेके चले। मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया कि दोस्तों कि बेटा बच्चों की जिंदगी में आप किसी काम को नीत अच्छी नीति से करते हो, ईश्वर आपका साथ देता है। आज जिन बच्चों के लिए दर्द पाल रहा हूं तो मेरा इसमें एक स्वार्थ है साहब कि मेरा बच्चा परेशान ना हो, और यह गलती मैं, यदि गलती है तो यह गलती कर रहा हूं मैं, यदि मैं उनके लिए बोल के गलती कर रहा हूं तो साहब मैं खुले प्लेटफॉर्म बोल रहा हूं ये। और दूसरी बात और कड़वी बात करूं, नीट में 17 लाख बच्चे बैठेंगे साहब, 5-6 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं एग्जाम से, जब एग्जाम होती है तब क्या होता, नंबर 50-50 आते हैं, आप रिजल्ट क्लास उठा गए, बच्चे तो मुश्किल से 1-2-3 लाख बच्चे हैं मुश्किल से जो जाल लगाए पढ़ाई करते हैं, 80,000 उनमें से तो ज्यादा तो वही मिलेंगे साहब जिनका शौक नहीं है। उन बच्चों से निवेदन है बेटा कि आप लोग प्लीज इस एग्जाम को होने दें। तो डियर, ऑनलाइन एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, और इस संस्था प्रधान साथी भी सभी से निवेदन है कि आप इस, मैं बार बार कह रहा हूं, यदि ये एग्जाम पोस्टपोन्ड होगी तो संस्था प्रधान साथियों आप अगले 6 महीने भूल जाना कि ये देश में क्लासें लगेंगी। मेरे परसों मेरा लंदन लाइव था तो वो तो साफ कह रहे हैं कि 5 सितंबर को लंदन खुल रहा है, जबकि लंदन से अमेरिका से एक बार सीन बहुत विकराल हुआ था, बंद कर दो साहब देश को 14 दिन, ये मेरी छोटी बुद्धि का आइडिया है, बंद करो फिर 14 दिन, माननीय प्रधानमंत्री और सारे देश के मुख्यमंत्री एक साथ आ जाएं, जो होता है आपका क्या है जूम टाइप की जो होती है मीटिंग, एक साथ सब लोग टीवी पे आ जाएं, हम स्वीकार है साहब हमें, लेकिन साहब उन गांव के छोरों पे जो गांव बैठे हैं जिनके नेट नहीं है, जिसके बापू के पास नहीं है पैसा मोबाइल का, उनको संस्थाएं पढ़ाती हैं साहब फ्री, जिनको घर से लेके आते हैं संस्था वाले, बस का किराया भी नहीं होता है। मुझे आज भी याद है मेरे गांव से किसी का फोन आया कि श्रवण फतेहपुर के पास एथमसर गांव में एक लड़का है, उसके 94% है, मैंने कहा सीकर भेज दे, और सीकर का किराया भी नहीं है, उसको जाके लाया गया, वो IIT सिलेक्ट हुआ, उसने बॉम्बे IIT से IIT किया साहब, ऐसे लड़के भी हैं साहब। आप मत देखो साहब उन लोगों को जिनकी लाखों रुपए की फीस देने पे पेरेंट कैपेबल है, नहीं मजा आएगा बात का। तो जो लोग जीतते हैं सब सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना ये करें कि बीमारी जाए, ये महामारी जाए, हम स्वस्थ रहें। कोई नहीं चाहता, मैं कहते हैं हम कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा कोरोना से, कभी नहीं चाहते हम लोग, लेकिन फिर बसों में सफर क्यों कर रहे हैं हम लोग, होटल्स क्यों खुले हुए हैं, बाजार क्यों खुले हुए हैं, शादी फंक्शन क्यों हो रहे हैं, केवल और केवल घूम फिर के बात बच्चे पे आ जाते हैं, सब बच्चे की क्लास नहीं लगनी चाहिए साहब, बच्चे बहुत परेशान हैं। तो मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन यही है कि आप सब लोग इस यज्ञ में सरकार का साथ दें, अच्छे बच्चों के भले के लिए बात करें। अब दोस्तों मैं जो स्टूडेंट स्कूलिंग कर रहे हैं 9, 10, 11, 12 जिनका एडमिशन CLC में हुआ है, जो CLC के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको मेरा पूरा प्रोग्राम समझाता हूं। कोचिंग के बाद सब जानते हो आप, कोचिंग 11th 12th फाउंडेशन टारगेट नीट IIT सबकी क्लासेस चल रही हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा आज, मैं बात कर रहा हूं स्कूल प्लेटफॉर्म की। दोस्तों सबसे पहले हम लोग, आपका एडमिशन बेटा जी अप्रैल में हुआ, मई में हुआ, जून में हुआ, जुलाई में हुआ, उसको भूल जाओ, 27 अगस्त से अब मैं बात करना चाह रहा हूं उन बच्चों से जिनका एडमिशन हो गया जो लेना चाहते हैं। डियर 27 अगस्त से आपके अपने CLC 9, 10, 11, 12 राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम CBSE RBC का पहला बैच स्टार्ट करने जा रही है। ओके, अब तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसको भूल जाओ, उसका शेड्यूल दिखाता हूं आपको मैं एक एक चीज का। इस तरह दोस्तों में टॉपिक बनाए हैं, मैं आपको शेड्यूल दिखाता हूं, आ जाओ। जैसे 9th है, इस 9th में फर्स्ट माइनर फर्स्ट टॉपिक हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, मैथ का, SST का, इसमें आपको 22 लेक्चर दिए जाएंगे, 22 लेक्चर के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा। फिर अगले टॉपिक में 20-20 आपको 20 कैसे, एक सप्ताह में 5 दिन वर्किंग डे होते हैं, 4 वीक आप दोगे, 5 वीक 20 दिन हो गए। ये 22 दिन कौन से, ये बैच अपन स्टार्ट कब कर रहे हैं, थर्सडे से, इसलिए आपको यहां थर्सडे और फ्राइडे
दो एक्स्ट्रा दिन मिल जाएंगे। ये आपका शेड्यूल 9th सीबीएसई का है, ऐसे ही आपका 9th आरबीएसई का है, ये आपका 10th सीबीएसई का है, ये आपका 10th आरबीएसई का है, ये आपका 11th आरबीएसई, दोनों का बोथ है, ये आपका 12th सीबीएसई का है, ये आपका 12th आगे चले, ये 12th आरबीएसई का है। बड़ा करें इसको, नीचे करें दोस्तों, ये फर्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट यहां से हो जाएगा। ये शेड्यूल आप बाकायदा स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ठीक है डियर। तो ये आपका शेड्यूल बन गया। अब इसके टेस्ट कैसे होने हैं मैं आपको दिखा देता हूं। हर एक महीने बाद दोस्तों आपके टेस्ट होंगे, तो आपका ये टेस्ट शेड्यूल है। जैसे आप 9th-10th के बच्चे हैं, फर्स्ट फेज का मत 27 अगस्त, अब तक जितने एडमिशन हुए हैं वो सारे शामिल किस में है, 27 अगस्त में। क्या ओमकार जी, अब तक जितने एडमिशन है वो सारे किस में पंकज जी, 27 अगस्त में। आपका पहला टेस्ट 27 सितंबर को है, दूसरा फेज हम शुरू करेंगे 3 सितंबर को। 27 अगस्त को जो स्टार्ट हो रहा है वो पूरा 21 फरवरी पूरा हो जाएगा, सेकेंड ये पूरा हो जाएगा, ये थर्ड फेज, और पांच ही फेज चलाएंगे साहब। 24 सितंबर के बाद हम एडमिशन नहीं देंगे। तो ये आपके 9th और 10th के 6 महीने आपके करवाएंगे। आगे चले, ये 11th का शेड्यूल है, वही पहला टेस्ट 27 सितंबर को इसका, 25 अप्रैल, और लास्ट फेज स्टार्ट 24 सितंबर से होगा जो 23 मई को पूरा होगा। आगे चले, ये दोस्तों आपका 12th का है। ये कंप्लीट आज एक होमवर्क करके पूरे सिस्टम से जरा को, जो स्टूडेंट आप कहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल मेरी बात ना सुनो, आप कहीं पढ़ रहे हो, आप सीएलसी के इस 5 महीने के पवित्र यज्ञ के साथ जुड़ के अपने स्कूल को कंटिन्यू ऑनलाइन कर सकते हैं। ये शेड्यूल टेस्टों का हो गया। टेस्ट में क्या आएगा दोस्तों, एक ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें 9th-10th के 25 क्वेश्चन आएंगे पर सब्जेक्ट के, 11th-12th में 45-45, हिंदी 23-22, 180 क्वेश्चन आएंगे, और हर महीने एक आपको सब्जेक्टिव पेपर भेजा जाएगा जो आपको घर बैठ के बोर्ड पैटर्न में करना है। बोलो हाँ या ना। आगे चले, डाउट काउंटर के लिए बाकायदे डाउट सेशन होता है। जैसे आपका एडमिशन हो जाएगा आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा डाउट कहाँ भेजने होते हैं, ठीक है डियर। और इसके हमने मामूली फीस रखी है पूरी साल आप, क्योंकि मेरे को तो एक ढाणी के बच्चे देखना होता है, यदि आप पूरी साल मेरे साथ रहते हैं तो ऑनलाइन फीस है मात्र 6-7 हजार मात्र फीस है, 9th-8 हजार, 7th आप फीस स्ट्रक्चर देख ले। हाँ, ऑनलाइन के बाद आप ऑफलाइन में आते हैं तो ये हमारा फिक्स स्ट्रक्चर दोस्तों। ये आपका इंग्लिश मीडियम का है, ये आपका आरबीएससी का है, ये आपका सीबीएसई का। आगे चले, ये टैलेंटेड बच्चों की स्कॉलरशिप है। फिर कहता हूं यार, किसी गांव की गुदड़ी में झोंपड़ी में बैठी खोपड़ी बैठी हो, कोई गुदड़ी का हीरा हो, आप लाओ ना हमारे पास। ये साहब आज नहीं कह रहे हैं, ये 24 साल से कहते आ रहे हैं साहब। माफी चाहता हूं कि आज के 10 साल पहले कुछ संस्थाएं ऐसे होती थी जो एंट्रेंस टेस्ट लेके बच्चों की एडमिशन करनी थी। ये श्रवण जैसे पागलों की देन है कि वो भी स्कॉलरशिप कराते हैं आज। आप एक बार दिमाग से निकालो कि यदि कास्ट सीकर की एजुकेशन ना होती तो क्या होता ग्रामीण प्रतिभाओं का। थोड़ा सा आज मैं कड़ी बात करना चाहूंगा, एक बार सीकर के इंस्टीट्यूट को बाहर करें, आप स्कूल हो चाहे कोचिंग हो, हर एक ढाणियों में दो दो फागड़बाज, एक गांव है कस्बा है 11 डॉक्टर हैं, 10 डॉक्टर हैं, 8 डॉक्टर हैं, जानदुआ में 60 डॉक्टर हैं, संख्या है जो ऑलमोस्ट दूध वाले ढाणी दाइमा परिवार है, एक परिवार में 10 बच्चे सेलेक्ट हैं। ऐसे नहीं होता साहब, कुछ सोचना पड़ता है साहब, कुछ करना पड़ता है। वापस से एक बार स्लाइड दिखाएं शुरू से, तो मैं फिर से कह देता हूं कि जो स्टूडेंट 9, 10, 11, 12 स्कूल में एडमिशन ले चुका है या लेने वाला है, तो डियर ये हमारा स्कूल का प्लेटफॉर्म है, kvmlive.in पे आप जाएं, वहां जाके आप एडमिशन लेंगे। ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है जिन पे बात कर सकते हैं। 9, 10, 11, 12 हमारा इंग्लिश हिंदी दोनों में है, और 6th-8th ओनली इंग्लिश मीडियम में। कोई सी भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चले, ये हमारा 80-20 रेशियो, हमारी पढ़ाई 80% होती है, 20% हमारे यहाँ एक्टिविटी होती है। अब ऑनलाइन में दोस्तों 100% ही पढ़ाई है, इसलिए आपकी संस्था श्रेष्ठतम है। ये पूरे साल में 9th क्लास में 720 लेक्चर आएंगे, 10th में 720, 9th में 800, 12th में 90, 9th और 10th की 30 मिनट, 11th मैं एक बात करना चाहता हूं, आप पूरे साल कहीं पढ़े, मैं यहां जो संस्था प्रधान साथी देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप माफी चाहता हूं, यदि आप ऑनलाइन नहीं चला पा रहे हैं तो इस भाई के साथ जुड़ जाएं, मैं आपको दूंगा प्लेटफॉर्म। एक बार इस लाइव के बाद आप मुझसे बात करना, मैं इसको ओपनली, अब मैं नहीं कहता कि आप मेरी फ्रेंचाइजी लें, आप मेरी कुछ नहीं, यदि आपको लगता है कि आप कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं और आप कहीं रात को अकेले छत पे बैठ के परेशान अपने उन बच्चों के लिए जो घर बैठे हैं 4 महीने से, वो कहते हैं मास्टर जी स्कूल कद खुलसी, जिनको जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, मैं हूं ना,
इसके लिए आपको मुझे व्यक्तिगत फोन करना होगा। और मैं कहता हूं एक बार आप सीकर आके विजिट कर लो, ये श्रवण का वादा है। मेरे घर में आए किसी भी संस्था प्रधान को जो विश्वास लेके आओगे ना, वो पूरा करके भेजूंगा। लाइव कह रहा हूं इस चीज को, रिकॉर्डेड में कह रहा हूं इसको मैं। पर आना आपको उसी भाव से होगा जिस भाव से मैं आपका सेवा करना चाहता हूं। भाई हम तो साफ कहते हैं, हम रतन टाटा साहब की एक बात को पकड़ लिया, ये साल लाभ हानि का नहीं है, ये साल केवल अपनों को शारीरिक बचाना भी है और मानसिक बचाना भी है। दोस्तों मरने से आदमी नहीं मरता केवल, या मानसिक परेशान हो गए, बीपी शुगर की प्रॉब्लम पालोगे तो जिनकी दवाइयां जिंदगी खानी पड़ेंगी बाद में। दोस्तों बीपी शुगर मत पाल लेना, हाथ जोड़ के विनती करता हूं संस्था प्रधानों, ये दौर गुजर जाएगा, ये दौर चला जाएगा। प्लीज बीमारियां मत पाल लेना, माफी चाहता हूं ना करते हो सुबह से हम पूजा करना स्टार्ट कर लो। मैं आपके सामने हूं ना यार, आज 140वां दिन है, रोज 6:30 बजे आके नोक करता हूं ना आपको, 140 दिन रोज। ए मैं कुछ नहीं किया हूं मैंने, बट 140 दिन से मैं रेगुलर तो रहा हूं आपके लिए यार। तो कहने का भाव ये कि कोई भी संस्था प्रधान, देश का कोई बच्चा स्कूल, जिसको आप कहीं स्कूल पढ़े, एक नॉमिनल चार्ज कुछ रखा हमने, इतना नॉमिनल चार्ज रखा जिसको कोई भी बच्चा पे कर सकता, कोई चार्ज नहीं है। 10,000 रुपए भाई साहब आजकल LKG के बच्चे की शहर में ट्यूशन का टीचर लेता है, और इसमें पूरा सिलेबस दिया जाएगा। एक बार फिर दिखाऊं शेड्यूल आपको मैं, 12th का खोले, जैसे कुछ बच्चे हमारे यहां अप्रैल से क्लास ले रहे थे, मई से, फिर एक पूरा एक डिस्कस किया गया, जैसे ये 12th का शेड्यूल है बच्चों। हाँ एक बात और सुनना, आज संडे है, आज 23 है, 24-25 को आपके पुराने वीडियो रहेंगे, बुधवार को सारे वीडियो हट जाएंगे, और 27 तारीख को थर्सडे को सुबह 8 बजे पहला वीडियो अपलोड हो, किस टॉपिक का, इंग्लिश में इसका, फिजिक्स ऑप्टिक्स का, कोऑर्डिनेशन का, मैथ वेक्टर का, बायोलॉजी में इसका, जो टॉपिक ऐसे ही आप, ये 12th CBSE है, पीछे आओ, ये 12th RBSE है, ये 12th है, 11th है, ये 10th RBSE है, ये 10th CBSE है, ये 9th RBSE है, ये 9th CBSE है, बोलो बोलो। हाँ ना, ये सारी क्लासेज आप देख सकते हैं, और 2 दिन में आप है। और आपको लगता है कि सर हम तो चेक करना चाहते हैं, बिल्कुल आप डेमो क्लास लो ना, क्या दिक्कत है, आप डेमो के लिए अपना नाम, आप बाकायदा डेमो के लिए आप ये भेज दो मुझे, मेरा खुद का नंबर है 9992873888, आ जाओ जी, अपना नाम, अपनी क्लास, स्ट्रीम, स्कूल, मीडियम, मोबाइल नंबर लिख के भेज दो। मैं 27 अगस्त, 7 दिन नहीं, मैं आपको 2 वीक का डेमो दे रहा हूं जी, 2 वीक 10 क्लासेस आप लेके देखें, फिर आपको अच्छा लगे तो उसके बाद दोस्तों आप हमारी क्लास कंटिन्यू करें। और तो क्या चाहते हो मेरे साथ बताओ। और मैं तो कहता हूं दोस्तों आप एक बार सीकर आए, सीकर आके फिजिकली मिले मेरे से, तो शायद मैं आपकी सहायता सहयोग, माफी चाहता हूं सहायता सहयोग मतलब जो उसकी जरूरत है मैं ज्यादा कर सकता हूं, फोन पे नहीं पता चलता कौन क्या है। और बाकी आप जानते हो, आप जिला 12th फाउंडेशन है, कोई IIT, वो तो आपकी संस्था कर ही रही है। तो दोस्तों और कितने, कब सिलेबस एंड होगा, आप टेस्ट देख सकते हो दोस्तों, आप देखें ये जैसे ये बाकायदा 5 फेज बनाएंगे, कौन से फेज का कब टेस्ट पूरा बना दिया, पूरा होमवर्क के साथ आज आपका श्रवण आपके साथ आया है, पूरे 6 महीने खेले दोस्तों, पूरे 6 महीने का सिस्टम चलेगा आपके साथ। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लेट होगा तो लेट जाएगा, करने की बात ही नहीं है, लेकिन आप क्या मानते हो अगले साल बोर्ड का एग्जाम मार्च, सवाल ही कैसे मार्च में हो जाएगा भैया, अगला एग्जाम मई जून तक होना है, तब तक अपन, हाँ इसमें प्रैक्टिकल भी लास्ट में करवाए जाएंगे, सुन लो भाई, साहिल कह रहा था पापा ये भी आप कोट करना, बाकायदा बेटा प्रैक्टिकल भी शूटिंग करके, शूट करके आपको ऑनलाइन दिखाए जाएंगे, डाउट आपके सारे खत्म किए जाएंगे। और मैं स्पष्ट कहता हूं एडमिशन के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं खुला कह रहा हूं प्लेटफॉर्म पे, मेरा नंबर 9992873888 है, आप लिखे समस्या साहब, ये जिगरा चाहिए, 140 दिन से खुल के नंबर दे रहा हूं, और रात को सारी समस्या मिटा के सोता हूं, क्योंकि मेरी टीम बहुत सक्षम है और मैं खुद बहुत ईमानदार हूं, और सबसे ऊपर मेरे वाहेगुरु का, मेरे नाथ जी का आशीर्वाद है, क्योंकि मैं यज्ञ कर रहा हूं, हवन कर रहा हूं, एक पूजा कर रहा हूं, इबादत कर रहा हूं, प्रेयर कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, ईश्वर मेरा साथ दे रहा है, मुझे सबसे पहले खुद पे बहुत यकीन है, उसके बाद मुझे उस पर बहुत यकीन है, क्योंकि मैं कहीं इस काम में निहित स्वार्थ नहीं, हाँ मेरे परिवार को पालने के लिए मुझे आटा चाहिए, वो स्वार्थ है साहब, मुझे परिवार को चलाने के लिए, मेरे 150 लोग काम कर रहे हैं, उनके परिवार पालना मेरी जिम्मेदारी है, जो 150 लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनके परिवार में आटा चाहिए साहब, उसके लिए कुछ 2 रुपये भी चाहिए, मैं सड़क पे थोड़े जाएंगे मेरे स्टाफ के लोग साहब, आप ही अंदाजा हमारे, तो सब कुछ आप ही हैं साहब,
आप देते हो तब परिवार चलते हैं हमारे, हम उसके बदले आपको विश्वास के बदले आपको वो देते हैं जो लेने आप यहाँ आते हो। ये दिया 24 साल में, और लॉकडाउन में तो 4 महीने, मैंने लंदन के उस लाइव में भी कहा था, मुझे जितना 24 साल में मिला मान सम्मान, उससे ज्यादा मान सम्मान मेरे को मेरे 4 महीने बच्चों। और आज तो मुझे बहुत खुशी हुई, केरला से बच्चे का व्हाट्सअप आता है जिसको मैंने हिंदी वॉइस एसएमएस किया, तो कहते प्लीज आई कांट अंडरस्टैंड हिंदी बिकॉज आई फ्रॉम केरला। मुझे अच्छा लगा, प्लीज आई वी वांट पीडीएफ फाइल ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री श्रवण चौधरी को ऊपर होगी भाई साहब, मजा आ गया। मैंने कहा यार कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, ऊपर वाले ने करवाया है। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भ्रम मुझ पे करे तासो निश्चय, अपना कोई रोल नहीं है भाई। हम केवल निमित्त मात्र, हम तार हैं, हम ट्रांसफार्मर नहीं है, हम बल्ब नहीं है, हम ना जनरेटर हैं ना बिजली के उपकरण, हम तार हैं। बिजली पैदा कहीं और हो रही है, वो मेरे वाहेगुरु हैं, उपकरण आप यानी चमक आप में है, मैं तो केवल तार हूं, मैं कुछ नहीं हूं। पर ये भी सच है कि जनरेटर और इंस्ट्रूमेंट के बीच तार नहीं हो तो इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड कुछ भी नहीं है, दोनों बातें भाई। तो डियर, जो बच्चे अब तक 2, 10, 11, 12 की क्लासेस ले रहे थे वो अब पुरानी बातें भूल जाएं, सोमवार मंगलवार 2 दिन पुराने वीडियो देख लो, नहीं रेस्ट करो, अपने अपने आप की व्यवस्था सेट करो। बुधवार को सारे वीडियो वहां से डिलीट मार दिए जाएंगे और गुरुवार को 27 अगस्त से बिल्कुल नए जोश, नए होश, नए विश्वास के साथ हम लोग आपके साथ आएंगे। मैं मेरी टीम से मिलाता हूं आपको, तुरंत टीम को भी लेके आए, जो टीम आपको पढ़ाएगी। कुछ लोग आज प्रेजेंट हैं, कुछ एब्सेंट भी हैं। आज मैं मेरे सारे साथियों से आपको एक बिल्कुल अगले 2 से 4 मिनट में उन सबका परिचय आपसे कर देता हूं। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, सब लोग थोड़ा जल्दी आ जाए भाई, मैं फिर से कहता हूं डियर, इस नीट और जेई के एग्जाम में जो लोग इसको ना कराना चाहते हैं प्लीज आप उनका विरोध करें। फिर से कहता हूं, यदि जेई और नीट की एग्जाम पोस्टपोन हो गई तो किसी भी कीमत पे इस देश में अगस्त तक क्लासें लोग नहीं लगने देंगे और ये मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा। मैं मिलाता हूं सबसे पहले आप मेरे पंकज चौधरी हैं, जो मेरे स्कूल के जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, हेड ऑफ फैमिली कहते हैं, आप पूरा स्कूल डील करते हैं, 9414037 आपका ही नंबर है, आप पंकज चौधरी हैं प्लीज आए। आप हमारे नरेंद्र जी हैं, आप SST देखते हैं और आप हमारे प्री फाउंडेशन रिविंग को भी देखते हैं और आप पंकज जी का पूरा सपोर्ट करते हैं, एक मजबूत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप SST देखते हैं। आप शिवपाल सामोता जी हैं जो मेरे साइंस विंग को देखते हैं, पंकज जी का असिस्ट करते हैं, पंकज साथ रहते हैं, आप बायो की मेरी फैकल्टी है, आप बहुत अच्छा है, आपकी बेटी भी सिलेक्ट है भैया 10th के साथ NTSC में अपने स्कूल से भी, क्लास थ्री फाउंडेशन की, थैंक यू। आप आए सोहन बुड़क, सोहन ढाका, आप सोहन ढाका हैं, आप 9th-10th का साइंस लेते हैं बच्चों, आपने देखा होगा आप हिंदी मीडियम पूरा संभालते हैं, आप कब से स्कूल के साथ हैं? 2014 से, पिछले 7-8 साल से, 6-7 साल से आप काम कर रहे थे, थैंक यू। आप आए हमारे, बहुत छोटे मोटे आपको लग रहे हैं, ये छोटे छोटे डिब्बे में बड़ी धमाका है, ये प्रदीप नेहरा है, मेरे हॉस्टल इंचार्ज है, 10th के बच्चों के केयर टेकर हैं और हिंदी मीडियम की मैथ लेते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट हमेशा देते हैं आप लोग, थैंक यू। आप हमारे महेश जी ख्यालियाँ हैं जो हिंदी लेते हैं, 9th और 10th को हिंदी पढ़ाते हैं और एक अच्छे से मजबूत लीडर हैं, मजबूत मेरे टीम के पार्ट हैं, थैंक यू ख्यालिया जी। आप मेरे नेमाराम जी हैं जो संस्कृत पढ़ाते हैं, जो थर्ड लैंग्वेज बोलते हैं, हमारे राजस्थान में चलती है, बाकी नहीं चलती, CBSE में नहीं है, हरियाणा बोर्ड में नहीं है। आप कब से बेटा स्कूल में? 2014 से, आप भी 6 से 7 साल से स्कूल के साथ, थैंक यू नेमाराम जी। आप रतन जगावत हैं, आप 11th-12th का हिंदी लेते हैं, आप पिछले 14 साल से हमारे साथ, 2005 से मेरे साथ हैं दोस्तों। ये है, इन लोगों के बदौलत कारण मैं हूँ, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, थैंक यू रतन जी। आप आए हमारे सामोतो जी हैं, ये आप SST लेते हैं, 9th-10th की हिंदी मीडियम बच्चों की, आप सामोतो जी हमारे साथ हैं, मजबूत प्लेयर हमारे हैं, आप हमारे स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, थैंक यू। आप आए, आप विनोद चौधरी हैं, आप बायो लेते हैं 11th-12th की, बहुत मीडियम, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम, एक बहुत डायनेमिक सी अच्छी सी पर्सनलिटी हमारी साइंस टीम की, थैंक यू। आप हमारे चंद्रकांत जी हैं, आप केमिस्ट्री लेते हैं, दोनों मीडियम आप लेते हैं केमिस्ट्री के 11th-12th में, बहुत मजबूत प्लेयर हैं मेरे, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, अप्रैल के विषम परिस्थिति में दोस्तों आपके क्लासेस दिए, थैंक यू सीके सर। आप हमारे नरोत्तम जांगिड़ हैं, आप मैथ 11th-12th लेते हैं, हिंदी मीडियम भी लेते हैं, इंग्लिश मीडियम भी लेते हैं, थैंक यू नरोत्तम भैया। अभी आपको बेटा भी हुआ, उसकी शुभकामनाएं, आपका बेटा भी हुआ अभी। आप हमारे अजीत सर हैं, आप साइंस लेते हैं, उसका कौन सा पार्ट? फिजिक्स केमिस्ट्री, 9th और 10th की साइंस इंग्लिश मीडियम की, फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट लेते हैं, आप MSc फिजिक्स हैं, आप तो एक फिजिक्स MSc का लड़का बच्चा ही स्मार्ट सा बंदा, देखा आपको, ये हमारे 9th-10th के बच्चों फिजिक्स पढ़ा रहा, सोचो अच्छा अच्छा पढ़ाता होगा, थैंक यू। आप हमारे निशांत सर हैं, बहुत इंग्लिश में एक बहुत अच्छा होल्ड रखते हैं अपना, आप इंग्लिश लेते हैं 9, 10, 11, 12 सभी की, आप कह रहे मैं बोस कितना लोड दे दूँ, तैयार हूँ मैं, थैंक यू। उसके बाद मनीष सर हैं हमारे,
आप SST लेते हैं इंग्लिश मीडियम की, 9th और 10th की, थैंक यू मनीष सर, आप हमारे कैलाश गिल हैं, आप सब्जेक्ट लेते हैं मैथ इंग्लिश मीडियम 9th 10th की, हमारे नेहरा जी लेते हैं हिंदी मीडियम, आप इंग्लिश मीडियम, थैंक यू गिल साहब। ये हमारे बाजिया जी हैं जो प्री फाउंडेशन इंचार्ज हैं, 9, 6, 7, 8, 9, 10 के प्री फाउंडेशन के। आए पंकज जी, आप एक दौड़ के आए, आप पंकज जी इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, आराम से बेटा। ये पंकज और बाजिया हैं, पंकज पूरा स्कूल को डील करते हैं, बाजिया जी डील करते हैं प्री फाउंडेशन को, ये दोनों बहुत मजबूत बंदे हैं जो काम करते हैं। इनके साथ नरेंद्र जी हैं, सामता जी, पूरी टीम लगी हुई, थैंक यू, आप लोग बैठे। तो डियर, ये वो टीम है, इसके अलावा कुछ लोग आज अब्सेंट हैं, घर पे हैं, किसी कारण बस नहीं आ पाए, तो वो आपके साथ। और सब्जेक्ट में दोस्तों लोग, जैसे हमारे वो मिस्टर जयप्रकाश शर्मा सर हैं, वो फिजिक्स ले रहे हैं, उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, इसलिए वो उनके साथ हमने हमारे गोपाल शर्मा को खड़ा किया है, उनके छोटे भाई का सिलेक्शन हो गया सब इंस्पेक्टर में, इसलिए अजमेर उसकी काउंसलिंग में गया हुआ है। फिजिक्स के लिए हमारे गोपाल शर्मा और हमारे जयप्रकाश जी हैं। ऐसे हमारे OP सारण को भी हम लोग इसमें खड़ा करना चाहेंगे, रिंकेश गुप्ता जी भी हमारे साथ खड़ा होना चाहेंगे, इसके साथ हम लोग हमारे गोपाल राणा भी इसमें हमारे साथ खड़े होंगे, इसके अलावा हमारा महेंद्र सैनी भी खड़ा होगा, ऐसे 4-5 लोग। और दोस्तों टॉपिक वाइज आपके बीच आते जाएंगे, रतन जी भास्कर भी संस्कृत के कुछ पार्ट को आपके लिए पढ़ाने के लिए आपके बीच आ सकते हैं, राजेश नैन भी आपके बीच बारे में आ सकते हैं, पूरी टीम है, पूरा एक कुनबा है हमारा। तो ओके डियर, तो ये एक जो बात करना चाह रहा था, तो ये हमारा KVM का प्लेटफॉर्म है, KVMLive.in का। ओके डियर, अब आगे साइड से, ये 80% हमारी एकेडमिक है। अब दोस्तों ऑनलाइन में आप जानते हो 100% एकेडमिक है, इसलिए हम सब पे भारी पड़ रहे हैं। ये दोस्तों पूरी साल आप ऑनलाइन क्लास, इतने लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, और यदि नीट और जेई पोस्टपोन्ड होगी ना भाई जी, तो सारी साल ये ऑनलाइन पढ़ना है, सुन लो, माफी चाहूँ, और नहीं तो ऑनलाइन के बाद आप ऑफलाइन में आ जाएंगे, और जो सरकार के आदेश की पालना होगी, जो टर्म्स कंडीशन होंगी, जो लॉकडाउन ओपन के अप्रूवल के बाद जो भी सरकार हमें गाइडलाइन देगी उसकी पालना करेंगे, और जब एग्जाम कराएंगे एग्जाम करा देंगे। ये आपके देखो 9th और 10th के फेज हैं, 27 अगस्त को पहला फेज चल रहा है, 27 अगस्त से फर्स्ट फेज है। तो कल, अच्छा सारा फेज कब से है, कल 27 अगस्त परसों से भाई, सारा फेज कब से है बच्चों, 27 से पहला फेज है आपका, अच्छा कभी एडमिशन हुआ हो और आप फ्री हो जाओ 21 फरवरी को, फिर अगला बैच 3 सितंबर को, 10 सितंबर को, 17 सितंबर को और 24 सितंबर, किसके लिए, 9th 10th के लिए, आगे चलो ऐसे 11th के लिए हो गया, ऐसे ही 12th के लिए हो गया, आगे चले ये टेस्ट साल में, सॉरी महीने में दो होंगे, एक ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। अब आपको सब्जेक्ट की कॉपियां कौन चेक करेगा, वो भाई आपको करनी पड़ेंगी, ये ध्यान रखना चीज का। ये दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप होता हमारा डाउट काउंटर के लिए, ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है। नो डाउट भूखे भजन ना हो गोपाला पकड़ तेरी कंठे माला, क्योंकि 200 परिवार ही पालने भाई साहब मेरे को, मैं अकेला नहीं हूं। दोस्तों ये हमारा फीस स्ट्रक्चर RBSE का, ये CBSE के बच्चों का, आगे चले ये इसमें स्कॉलरशिप है, और ये पूरी साल को ज्वाइन करता है, ये बहुत बड़ी चीज है। आप कहीं पढ़ रहे हैं, मैं यहां बात करना चाहूंगा संस्था प्रधान साथियों से, आप अपने, आप यदि ऑनलाइन प्रॉपर व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने कुछ डंके बच्चों को इसके साथ जोड़ दें, आप मेरे से कल बात कर लें, आप सीकर आके मिल सकते हैं, मैं आपका एज ए भाई, दोस्तों मैं कल बात नहीं कर रहा हूं, मेरे से 4200 संस्था प्रधान जुड़े हुए हैं टेलीफोनिक, मेरी टीम ने 5 बार कॉल किया उनको ये पूछने के लिए भाई को दिक्कत होने, क्योंकि आज तक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, इसे मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा धर्म बनता है कि आज उनसे बात करूं मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे एक साथी नगरदास स्कूल चलते हैं बालाजी, हमारा मिल परिवार, उनका फोन आया, बोस क्या कर रहे हो, बोस ही बोलता है मेरे को, मैंने कुछ नहीं कर रहा बोस, क्या करें, बच्चों को देख के लगता है कि क्लास दे रहे हैं ऑनलाइन सब चला रहे हैं पर मजा नहीं आ रहा, मैंने कहा आपके स्कूल ही आ रहा हूं मैं। ऐसे हमारे ओम जी हैं जो स्कूल चलाते हैं थावड़ा में, वो कहते हैं बोस क्या करें। ऐसे हमारे रामकर्ण जी हैं जो स्कूल चलाते हैं दूदू में, ऐसे बहुत से मेरे मित्र हैं, कुछ नाम मेरे फागलवा, हमारे जांगिर साहब जो तो महान है हमारे लिए भाई जी, उनको तो क्या बताऊं, 10th वो यहाँ भेजते हैं फेक, वो कहते हैं CNC फैक्ट्री है मेरे लिए, तो IT और मेडिकल डॉक्टर मेडिकल IT के लिए। तो डियर संस्था प्रधान साथी बिल्कुल खुल के जुड़ो आप यार, दोस्तों मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैं 140 दिन से लाइव आ रहा हूं, तो मैं कहीं ना कहीं यार जमीन पे जिन आदमी हूं, हो सकता क्या लगे कि यार बड़ी संस्था बड़ा, मैं बड़ा नहीं हूं भाई, संस्था मेरी बड़ी है मैं बड़ा नहीं हूं, CLC बड़ी है, बड़ा राम से बड़ा राम का नाम, CLC बड़ी है, कहीं को शक नहीं है साहब, CLC बड़ी है, श्रवण बड़ा नहीं है, श्रवण आपका भाई है, एक कदम आप बढ़ाओ। मैं होश में कह रहा हूं संस्था प्रधान साथियों, आप फोन पे बात कर लो, आके मिल लो, आपको ऑनलाइन में यदि आपके बहुत गहरी बात कर रहा हूं, आपको अपने 9, 10, 11, 12 सारे बच्चों को ये लगे कि श्रवण भाई तेरे को पढ़ाना है, आपका भाई पीछे नहीं हटेगा, आज प्रयोग कर देख लो जी,
तैयार हूं आपके लिए, क्योंकि आपने साथ दिया मेरा हमेशा। मुझे याद है जब एक एक बच्चे को आप यहां छोड़ के जाते थे, वो उसके बाद डॉक्टर बनते थे। मुझे याद है जब मेरा रिंगस का भाई अजय सक्सेना हेमंत सोनी को अपनी गाड़ी में छोड़ के गया, उसके बाद उसकी 67 रैंक आई, वो मौलाना आजाद में गया। मैं कैसे लोगों को भूल सकता हूँ। मेरे टैगोर के, मेरे तारा कृष्णा स्कूल के, टैगोर स्कूल श्री कृष्ण जी मेरा सेमिनार वहाँ कराते हैं, अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ते पढ़ने के लिए, मैं कैसे भूल सकता हूँ साथियों। मैं कैसे भूल सकता हूँ गुड़ा पब्लिक स्कूल के अग्रवाल साहब की बेटी यहाँ से पढ़ने आई, दोनों संपत जी और अग्रवाल दोनों अपने बच्चों को छोड़ के गए, मैं नहीं भूल सकता आपको। मेरे पिता ने एक गुरु मंत्र दिया है, नमक हराम मत बनना कभी और एहसान फरामोश मत बनना। दोस्तों ये मैं आंख मिला के बात कर सकता हूँ, ना नमक हराम हूँ ना एहसान फरामोश हूँ। हाँ मेरे साथ लोगों ने किया एहसान फरामोशी, मेरे साथ किए लोग नमक हरामे, मैं मेरा काम नहीं छोड़ सकता। मुझे किस्सा याद है, मुझे कई बार लोग कहते हैं कि श्रवण तुम जिन लोगों को बेटे की तरह पाला था वो कई बार तो धोखा देते, मैंने क्या फर्क पड़ता है, उनकी फितरत है। एक आदमी सुबह अपने घर से निकलता था, सामने दूसरा व्यक्ति खड़ा होता था, वो उसे गुड मॉर्निंग कहता, दूसरा गाली निकालता उसको। यह प्रक्रिया चल रही 4 महीने से, ये घर से बंदा निकले गुड मॉर्निंग भाई साहब, वो गाली निकाले। तीसरा पड़ोसी देख रहा था, 3-4 महीने देखने के बाद तीसरा पड़ोसी परेशान हो, उसने कहा भाई साहब अब आदमी हो क्या हो, आप इसको गुड मॉर्निंग कर रहे हो 4 महीने से, ये आपको गाली निकाल रहा है। बोलो यार आप बंद करो गुड मॉर्निंग करना इससे। उस व्यक्ति ने कहा यार सुन, मैं 4 महीने से गुड मॉर्निंग कर रहा हूं, ये 4 महीने से गाड़ी निकाल रहा, मैं मेरा काम नहीं रोक रहा हूं, ये अपना काम नहीं रोक रहा, तो ये अपनी गाड़ी का काम नहीं रोक रहा तो मैं मेरी गुड मॉर्निंग का काम कैसे रोक सकता हूं। दोस्तों चाहे मेरी पीठ में कितने खंजर खोपे जाए, श्रवण अपने वाहेगुरु के आशीर्वाद से, नाथ जी के आशीर्वाद से, मेरे पिता की उस तपस्या के कारण मैं आज जिस मुकाम पे हूं उससे आगे हमेशा चलता रहूंगा यदि मैं इस रास्ते में चलता रहूंगा तो। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि लॉकडाउन को पैनिक नहीं करें। 9, 10, 11, 12 प्योर स्कूल की पढ़ाई भी कर सकते हैं, 1 से 8 की पढ़ाई करने तो संपर्क कर ले, उसकी आपकी व्यवस्था कराई जाएगी। और जो बच्चे बेटा जी तैयारी कर रहे हैं आई टीपीएमटी की 11वीं से 12वीं से 13वीं से, आपकी सीएलसी हर थर्सडे बैच स्टार्ट करती है। हमने किया ना भाई, हमने दोस्तों अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त पिछले 5 महीने में देश में नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को 17,000 क्वेश्चन दिए टेस्टों से, पूरे देश के लिए फ्री कर रखी टेस्ट सीरीज। आज 4,000 बच्चा अन्य संस्थाओं का है जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ा हुआ है, जिनको हम डाउट्स बताते हैं। डेली पेपर की पीडीएफ फाइल जाना, डेली टेस्ट होना, एक एक बच्चे की बात सुनना। और एक बात मैं बहुत विश्वास से कहता हूं, आज एक सिंगल व्यक्ति मेरा आरोप लगा सकता कि पिछले 5 महीने में श्रवण चौधरी मैंने तेरे को व्हाट्सएप किया और जवाब नहीं आया, मैंने हर व्हाट्सएप का जवाब दिया है। आगे भी कहता हूं, आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करें, हो सकता मैं आपका कॉल ना उठा पाऊं, हो सकता मैं आपका कॉल ना उठा पाऊं दोस्तों, मैं आपका कॉल ना उठा पाऊं, अपने व्हाट्सएप कर दो। बच्चों आप कैसे करो, अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना पासवर्ड, अपनी समस्या। स्कूल के बच्चे हैं तो फ्रॉम स्कूल अदर कुछ। एक और डिमांड भी आती है, परी फाउंडेशन। दोस्तों यदि आपको करना परी फाउंडेशन तो 6, 7, 8, 9, 10 का बच्चा जो घर बैठा है वो दोस्तों प्री फाउंडेशन एनटीसी के लिए ओलंपियड ज्वाइन कर सकता है। उसका भी दिखाएं शेड्यूल आगे, उसका भी दोस्तों 6ठी में 114 क्लास, 7th में 114, 8th में ये, 9th में ये, 10th में ये शेड्यूल दिखाएं इसका। ये लो 13 अगस्त को पहला फेज स्टार्ट हुआ, 27 को दूसरा, 10 का इनके टेस्ट कब कब होने सब दे दिया हमने। फीस कुछ नहीं, मामूली फीस, 6ठी 7वीं की 12,000, 8वीं 10वीं 15,000, जिसमें प्रिंटेड नोट्स भी आपको दिए जाएंगे भाई। और आप जानते हो 18% भाई हम पे सरकार जीएसटी लेती है, तो 18% तो इसमें से पूरा सरकार में जाना, हमारे पास आना नहीं, वहां भी एक देश का काम हो रहा है, देश के पुण्य में वो 18% भी जा रहा है। डियर 6, 7, 8, 9, 10 आपको यदि प्री फाउंडेशन करना है तो clclive.in के प्लेटफॉर्म पे आ जाए। आपको 9, 10, 11, 12 स्कूल पढ़नी है तो आप kvmklive.in पे आ जाए। ओके डियर, और हमारा आप जानते हो अपना जो बीआर स्कूल है वो सीबीएसई में कन्वर्ट हो गया, उसके भी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। बिल्कुल थोड़ी सी बात करूंगा साहब, इसको हो सकता है मेरी मार्केटिंग लगे, करूंगा साहब, क्योंकि मेरी मार्केटिंग है साहब, बिल्कुल मुझे करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं भाषण देंगे, लास्ट में कहीं वोट फॉर बीजेपी, माननीय राहुल गांधी कहीं भी जाएंगे लास्ट में कहीं वोट फॉर कांग्रेस, गहलोत साहब जाएंगे वोट फॉर कांग्रेस, वसुंधरा मैडम जाएंगी वोट फॉर बीजेपी, ये तो कहेंगे ना कि हमें वोट दो सरकार, हम भी बच्चे तो पढ़ाएंगे ना, 2 रुपए दोगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा पेट भरा रहेगा, तभी तो पढ़ाएंगे ना, भूखे भजन ना हो गोपाला पकड़ तेरी कंठी वाला। तो भाई ये बड़ा बीआर स्कूल है जो नर्सरी से लेके 12th प्लास्टर बोर्ड में था, इसमें कन्वर्ट कर दिया। कहने का अर्थ ये है डियर कि आप सब लोग नर्सरी से लेके आईटी मेडिकल तक अपने सेल से जुड़ सकते हैं,
आप 9992873888 में से बात कर लें, व्हाट्सअप कर दें, आप सीकर आ जाएं। अब कोरोना का थोड़ा डर है तो आदि आप सफर से डरते हैं तो बात कर लें और व्हाट्सअप कर दें आप, सबसे बड़ी चीज़ है। और झोंपड़ी में बैठी कोई खोपड़ी हो तो ले आए भाई, झोंपड़ी में बैठी खोपड़ी कहीं हो आप लाके छोड़ जाए, बट दिल से आना होता है। आज मैं एक नाम कोट करना चाहूंगा साहब, माफी चाहता हूं आज इस नाम को कोट कर रहा हूं पहली बार। मेरे पास हरियाणा से एक रात को फोन आता है एक दिन एक बंदे का, श्रवण जी मुझे पता लगा आप गांव के व्यक्ति हो, मैं भी गांव का व्यक्ति हूं, लॉकडाउन मेरा जो भी धंधा चौपट हो गया, मेरी दो बेटियां हैं पढ़ना चाहती हैं चौधरी, पैसे नहीं पास। मुझे उस आदमी के दर्द लगा, मैंने उनको पास दिया, उनकी क्लास स्टार्ट की। आज मेरी उस लाडली बेटे रिजल्ट जब 10th का आया उसके 95% आए, और आज इस बात को कह रहा हूं 2022 के हिंदुस्तान के टॉप 10 मेरी बेटी 100% लाइव देख रही है, मुझे पता है वो लाइव देख रही है मेरा, गांठ बांध ले। तूने कहा था ना कि तेरे कारण मेरी कदर ऊपर होगी, सुन रही है, तेरे कारण मेरी कदर ऊपर होने से 2022 में हिंदुस्तान को टॉप करवा के। अरे क्या बात करते छोरो, क्या फर्क पड़ता लॉकडाउन से? वो संस्था प्रधान मेरे से उम्र छोटे, मेरे छोटे भाइयों क्यों घबराते हो यार? हम गांवों से खाली थैला लेके शहरों में आए थे, आज शिक्षा की अलग जगह प्राइवेट स्कूलों के नाम पे हम लोगों ने, आज शेखावाटी में जो कुछ हुआ स्कूल में प्राइवेट, मैं सबसे पहले तो मेरे शेखावाटी के उन सेठों को प्रणाम करूंगा। हम जब पढ़ते थे तो सेठों की स्कूलें थी, वो चाहे बगड़िया स्कूल हो, चाहे रघुनाथ स्कूल हो, चाहे पोदार कॉलेज हो, चाहे लोहिया कॉलेज हो, चाहे जैन स्कूल हो, मैं बिल्कुल प्रणाम करता हूं उन सेठों को, वो जहां भी स्वर्ग में है भगवान उनको, जहां भी है भगवान के चरणों में उनको जगह मिले, क्योंकि वो थे हम पढ़ पाए। यदि ना होती बगड़िया, ना होती रघुनाथ, ना होती चमड़ी, हम नहीं पढ़ पाते साहब, हम नहीं खड़े होते इस तरह प्लेटफॉर्म पे साहब, हम कैसे ऐसा फॉर्मेसी कर सकते हैं? और ये शेखावाटी के गांव के लोगों, आप उन सेठों को महीने में एक बार तो कम से कम नमन कर लिया करो, उन चमड़ियाओं को, उन पोदारों को, उन बजाजों को, उन बगड़ियाओं को, रघुनाथ जाजोदियाओं को, यार उन्होंने संस्थाएं दी थी अपने को। जो ना होती तो हमारी लड़कियां तो पढ़ने का सवाल, यदि फतेहपुर की धानुका कॉलेज ना होती मेरी बहन आज प्रिंसिपल नहीं होती साहब, क्या बात है, मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं है साहब। तो उनका आज ये जिम्मा संभाल रखा है आपके गांव से निकले छोरों को, वो चाहे श्रवण हो, चाहे रामदास ढाका हो, चाहे बी एल रणुवा हो, चाहे जोगेंद्र सुंडा हो, चाहे शंकर बगड़िया हो, ये वो लोग हैं भाई, चाहे तारानगर का कृष्ण कुमार हो, चाहे गुढ़ागोड़ जी का दोस्तों संपत जी हो, चाहे राम जी रणुवा हो, उनके भाई पूर्ण जी हो, चाहे रिंगस के हमारे अजय सक्सेना हो, कैसे भूल सकते हैं, चाहे हमारे चूरू के राजवीर धायल हों, बहुत से नाम है, चाहे हमारे फतेहपुर के खरीटा जी हों, ओमजी जाखड़ हों, चाहे बहुत से लोग हैं नाम के, बहुत से मित्र हैं मेरे, तो भावुक हो रहा है सबके नाम याद भी नहीं आ नहीं रहे हैं। तो डियर अच्छा करें, सब मिलके लड़ेंगे इस जंग से, सब मिलके लड़ेंगे इस जंग से। और मैं चाहता हूं कि सरकार 15 सितंबर से बाकायदा क्लासों की परमिशन दे, हम सब लोग क्लासे लगाने में सक्षम है और क्लास लगाएंगे। और दोस्तों रही बात कोरोना, तो कोरोना खत्म भगवान करेगा, दुनिया में इसको कोई इंसान खत्म नहीं कर सकता और ना हम रोक सकते, ये तो वही तरीका दिया मैंने, मैं एक छोटी बुद्धि का आदमी हूं, 14 दिन के देश को लॉकडाउन कर दो, 2 दिन का सूचना दे के, 2 दिन दे दो इन्फॉर्मेशन, देश को लॉक कर दो, सीधी सी बात है, 2 दिन आप सब कहते ना 14 दिन के खत्म हो जाता है। और आज देखा मैंने लंदन में बाकायदा, लंदन में से आजकल थोड़ा सा मुझे मिला तो बात हुई, लंदन में बाकायदा वहां क्लासें खुल रही हैं, अमेरिका लड़ नहीं रहा है क्या? अमेरिका में जितनी डेथ हुई है वहां कहां लॉकडाउन क्यों लोगों ने? तो डियर हो सकता है, मैंने कहा मेरी बात थोड़ी सी आज किसी को लगे अव्यवहारिक, लेकिन मैं मेरे सक्षम मुख्यमंत्री और सक्षम प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूंगा कि प्लीज इस एग्जाम को होने दें, इस एग्जाम को करें। और ये एग्जाम यदि पोस्टपोन हो गया तो स्कूल खुलने के अगले 6 महीने कोई चांस नहीं है, सवाल ही नहीं है। फिर से छोटी बात कर रहा हूं, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा साहब, उनके बच्चे 2 साल में पिछड़ जाएंगे, एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी, एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी पूरी। फिर नहीं आएगा कोई डूंगरा राम नाम का गांव का छोरा टोपर, नहीं आएगा जगदीश नाम का फैक्ट्री में काम करना बच्चे का मोदन आजाद में, नहीं आएगा साहब, फिर नहीं आएगा सत्यराज हल्ला, फिर साहब कोई नहीं आएगी सुविधा एक अंधे पिता की बच्ची मेडिकल में समझ जाने वाले, नहीं आएंगे साहब, फिर नहीं आएंगे साहब, याद रखना मेरी बात को। तो दोस्तों आप सब ने इतने मन से सुना देखा मेरी बात को, समाप्ति को लेके जा रहा हूं, आज का लाइव केवल स्कूल के संस्था प्रधान साथियों के साथ था,
तो मेरे सभी संस्था प्रधान साथियों से, गार्जियन से, अभिभावक से कि 9, 10, 11, 12 RBC, CBSE, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम आपका अपना श्रवण अपने KVM के प्लेटफॉर्म पे 23 अगस्त से जीरो से बैच, 27 अगस्त से जीरो से बैच स्टार्ट करने जा रहा है। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो बेटा 24-25 को वीडियो देख लो, 26 को सारे वीडियो गायब हो जाए, और सुनो रहे सारे वीडियो दोबारा शूट होंगे। हेलो, पुराना कोई वीडियो नहीं आएगा। कुछ स्टाफ ने भी कहा वो शुरू वीडियो शूट करने मजा नहीं आया, कैमरे को फेस पहली बार किया, नए सिरे से नए जोश के साथ आप और हम दोनों लगेंगे दोस्तों, दोनों आप भी जोश के साथ, हम भी जोश के साथ, बोलो हाँ या ना। और एक बात और करना चाहता हूं, जो बच्चे दोस्तों जिन गांव में पढ़ाई नहीं हो रही है, धीरे धीरे लोग सीकर में आके रहने लग गए हैं, प्राइवेट मकान हॉस्टल्स में लोग रहते, अभी 2-4 तो परिवार ऐसे हैं जो सीकर में आके अपना फ्लैट लेके रहना पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। गार्जियन से ऐसा भी हो तो आपको सीकर आना है तो आप अपने आसपास मकान लेके, क्यों हम सीकर दे, हम लोग नहीं रहेंगे भाई, कोरोना हमें खाएगा आपको खा जाएगा, सावचेत रहेंगे, सीकर में लोग तो रहते हैं भैया। और सीकर जो हमारी जो पुलिया के इधर जो कॉलोनी है वो तो खाली है, 70% अभी 30% लोग हैं यहाँ, तो 70 बच्चे तो घर बैठे हैं सारे भाई जी। तो हमें तो हॉरर फिल्म का सीन सा लगता है, कई बार इधर ड्रामा सा लगता है, खाली पड़े गली, ये गली सुनी लगती है हमें तो। ओके, तो हो सकता है मेरी बात किसी के मतभेद के साथ हो, हो सकता है मेरा मत किसी के साथ ना मिल रहा हो, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा मेरा सर्वोपरि धर्म है मेरे बच्चे और बच्चों का एग्जाम होना चाहिए, मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ और बिल्कुल हम सारी व्यवस्थाएँ करेंगे। और ऑनलाइन क्लास लेने वाले बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लें, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन लें। तो इसके अलावा अब किसी भी स्टूडेंट को, आज का फोकस था 9, 10, 11, 12 स्कूलिंग के बच्चों को, कोई दिक्कत हो तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को हम खोल देंगे, अपनी समस्याओं बताएं, पॉजिटिव मानसिकता से बात करें, बोलो हाँ या ना, बस ये बात थी। इसके अलावा कोई बात हो तो बताएं। ओंकार जी भाई, पंकज जी, सुनील जी, एक बात बताऊं दोस्तों, मेरे को 140 लाइव आते हो गए, आज पहली बार 1100 लोग मेरे व्यूअर एक साथ हुए, क्योंकि आज का मेरा पुण्य काम था। इसलिए कहते ना यदि आप काम को, वो एक मूवी है ओम शांति ओम, किसी चीज को आप शिद्दत से पाना चाहो तो पूरी साथ देती है आपका कायनात। आज बहुत मन से लाइव में आया, बहुत भाव से लाइव में आया आज, क्योंकि मुझे बच्चों की बात करनी थी, मुझे बच्चों को समझाना था, मुझे बच्चों को कन्वे करना था आज, ठीक है। और मैं डेली आता हूं देखने वालों, डेली शाम 6:30 बजे आता हूं, आप रोज सुने मजा आएगा बात का, 100% बातें अच्छी होती हैं, सकारात्मक होती हैं। इसके अलावा लास्ट में जो भी स्टूडेंट IIT मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो बेटा एडमिशन ऑनलाइन लें या विजिट कर लें, अलवर, जयपुर, जोधपुर हमारे सेंटर हैं, वहाँ आप फिजिकली आकर एडमिशन ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग आपकी सहायता की जा रही है, आगे भी की जाएगी। बहुत तारीफ कर रहा हूं, आपकी आवश्यकता के अनुसार आपकी सहायता संस्था ने पहले भी की है, आगे भी करेगी। फीस नहीं अलग से कोई, अरे बड़े आदमी फीस वही है, अरे तेरी, अरे अलग से फीस नहीं है, वही तो रोल नंबर रहेंगे, वही पासवर्ड रहेंगे, फीस नहीं अलग से कोई, वो तेरे को अब तक मान लेंगे फ्री दिखा दिया, बस अब तक जो दिखाया तो कोई चार्ज नहीं है। अब कहानी शुरू से, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, कोई बात नहीं, 27 अगस्त सुबह 8 बजे, और जेई और नीट का तुम्हारे ओ लाइव देखने वालों, आप या आपके परिवार में कोई लड़का जेई और नीट 2020 का प्लेयर है तो आपकी CLC का डेली टेस्ट 3 चल रहा है, उसको दिलाओ, कोई चार्ज नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल CLC सीकर पे नीट 2013 से 19 के प्रीवियस पेपर के वीडियो सोर्स पड़े हैं, फिजिक्स पंच पड़ा है, केमिस्ट्री पंच पड़ा है, जेई एडवांस के पड़े हैं, जेई मैन के पड़े हैं, देखो उनको एग्जाम वहीं से आएगी, क्योंकि इतना समझा रखा मेरे साथियों ने। आप CLC सीकर के YouTube चैनल को ITJL बच्चों जान लगा दो पूरी, अपने ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे रखना, क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है, जिंदगी में दिक्कत कहां, मैं हूं ना आपके साथ, अरे हूं ना एक कहने वाला, तो जो रोज आके कह रहा हूं 140 दिन रोज तेरा मोबाइल लॉक करता हूं ना, थोड़ा सा भावुक हो गया था क्योंकि आज दिन में जब मैंने पोस्टें पढ़ी कि एग्जाम पोस्टपोन करो, एग्जाम पोस्टपोन करो, मेरा खोपड़ा खराब हो गया साहब, क्यों पोस्टपोन करें, क्या गुनाह किया मेरे उन छोरों ने साल में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको नहीं पता कोई लड़का 3 साल से PMT की तैयारी कर रहा, 3 ड्रॉप के बैठे हैं, वो पागल हो जाएगा यदि एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, तो कोरोना खाएगा नहीं खाएगा, यदि बच्चे ने कुछ गलत अटेम्प्ट उठा लिया उसका जिम्मेदार कौन होगा, एक बच्चा ड्रॉप रहा 3 साल का, उसके एग्जाम पोस्टपोन कर उसने गलत उठा लिया उसका जिम्मेदार कौन होगा,
उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोरोनावाद की बात है, और कोरोना है तो बंद करो देश को, 14 दिन बंद करो, लॉकडाउन कर दो साहब, चलो तैयार हम लोग, प्रधानमंत्री जी और सारे मुख्यमंत्री लाइव आ जाएं एक एक चैनल पे और कह दे भाई अपील करो हम तैयार हैं बिल्कुल देश के लिए। हम तो वैसे दोस्तों वो उस प्रजाति के लोग हैं, उस जाति के लोग हैं जिन्होंने शहीद सीमा पे हमेशा अपने शहादत दी है, वो शेखावाटी की माटी के लाल हैं जहाँ अधिकतम शहादतें दी जाती हैं। जब शहादतों की बात आती है तो शुरुआत शेखावाटी झुंझुनू सीकर चूरू के लोगों से होती है, माफी चाहता हूँ मैं थोड़ी छोटी बात कर गया यहाँ पर। एक घर घर में यहाँ, हर घर में एक मंदिर, यहाँ हर गाँव में एक मंदिर है, लेकिन सीकर झुंझुनू के हर गाँव में नहीं तो हर 2-3 गाँव में एक शहीद की प्रतिमा भी है। भाई मेरे, हम उस माटी में पैदा हुए हैं, हर 2-3 गांव में एक ना कोई शहीद बंदूक हाथ में लिए ही सीना ताने हुए वहां से गुजरते हैं तो सलूट करने की इच्छा नहीं, सलूट हो जाता है, मतलब यूं अपने आप झुक जा, यूं सीना चौड़ा होके माथे पे हाथ जाता भाई। आया ना एक बार, सब लोग शांति से दो में बैठे, समराइज कर रहा हूं बात को, कोई लेफ्ट नहीं करे भी लाइव को, एक बार से बैठ के आराम से, बच्चे सब आंखें बंद करके बैठ जाएं, गार्जियन सुने कर माफी चाहता हूं, बच्चे सब आंखें बंद करके बैठ जाएं, बैठ गए, सुनो भैया 9, 10, 11, 12 के हो, क्लास कहीं शुरू नहीं की है तो 27 शुरू कर लो, नीट और जेई 2020 के प्लेयर हो तो कहीं के बच्चों देश को सीएलसी के ऑनलाइन टेस्ट दो, डेली टेस्ट दो, सीएलसी के वीडियो देखो, सुबह टाइम पे उठो, 8 बजे से 1 बजे पढ़ाई करो दोपहर में, रात को 8 से फिर पढ़ाई करो, दिन में 2 से 6 वीडियो देखो, टेस्ट दो या रेस्ट करो, विश्वास के साथ रहो, जिस भी धर्म में भगवान ने पैदा किया उस धर्म की रीति रिवाज के अकॉर्डिंग पूजा पाठ करो, जिस देवता को मानते उसका सुबह सुबह पूजा करो। मैं तो करता हूं भैया, मस्त रहता हूं मेरा, ऊपर वाले को याद रखो, कोरोना वो ही मिटाएगा, किसी के हाथ में नहीं है, ना लाने वाला इंसान था तो ना इंसान होगा भेजने वाला, भगवान ही इसको लेके आया था, भगवान इसको लेके जाएगा। और नीट और जेई का एग्जाम पोस्टपोन ना हो, यदि हो गई है तो मान के चलना क्लासेज अगली साल ही खुलेंगी फिर। तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के मेरे बच्चों, आप प्लीज घबराएं नहीं, एक है कुछ लोग हैं जो आपके लिए खड़े हुए हैं। बोलो हाँ आना, माफी चाहता हूं मैं कोई बुराई नहीं कर रहा पैसे वाले की, पैसा वाला बुराई नहीं है, लेकिन भैया उनके पास संसाधन हो सकते हैं, मेरे गांव के बच्चे के पास, लेकिन उनको मौका पड़ता ऑफलाइन में और ठोक के आएंगे एग्जाम को। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा अब तक का सबसे प्यारा लाइव, सबसे बड़ा लाइव, सबसे सकारात्मक लाइव आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत जोश आया। आज मेरे पिछले 3-4 दिन लाइव नहीं आ रहा हूं, 3-4 दिन के दौरान हमारे बहुत से अपनों का बर्थडे आया, आज हमारे एक मेरे काका हैं रामचंद्र नेहरा, मेरे पिताजी दोस्त, उनका बर्थडे है, उनको प्रणाम करूंगा। सीकर एडीएम जयप्रकाश सर का बर्थडे है, उनको हैप्पी बर्थडे। 2 दिन पहले हमारे भोला सर के बेटे का बर्थडे था, छोटू भोला सर, उस बच्चे को मेरी तरफ से लाड करना। और हमारे राजस्थान की शान आन बान प्रकाश माली भाई, जिसने भजनों के माध्यम से जगाया भारतीय संस्कृति को, प्रकाश भाई का बर्थडे है, उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दौरान पिछले 3-4 दिन में जो भी अपने सीएलसी परिवार में छोटे बड़ों जिनका बर्थडे आया, उन सबको मेरी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं। अच्छा करें, बढ़िया करें, मस्त रहें, मजे करें। इसी के आज का लाइव खत्म कर रहे हैं दोस्तों। लाइव खत्म करने से पहले सबको एक बात करना चाहता हूं, संस्था प्रधान हो चाहे गार्जियन हो, साथियों एक ही बात कहता हूं दोस्तों कि आपका श्रवण हमेशा आपके लिए तैयार था, तैयार है, तैयार रहेगा। मेरे जीवन का एक फलसफा है, एक गाना है, वो गा के बता देता हूं कि कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दोस्तों सीएलसी मेरी जान है, सीएलसी मेरा मान है, सीएलसी मेरा अभिमान है, इसलिए मैं और मेरे सारे बड़े प्यार से कहते हैं जय
सीएलसी। मेरे सामने सीएलसी के बच्चों, मेरे साथ बोलो जय सीएलसी, जय सीएलसी, जय सीएलसी। थैंक यू।